तमाम ऐसी बातें डाली हैं, जैसे 1500 रुपए हर महीने महिला को देना, जैसे युवाओं को नौकरी देना, युवाओं का स्टार्टअप फंड बनाना उसमें पैसे देना, गोबर खरीदना गांव की व्यवस्था के लिए 2 रुपए, मतलब लाखों रुपए का गोबर छत्तीसगढ़ में एक एक परिवार बेच रहा है। हमने दूध खरीदने का स्कीम, तो उससे पैसा लोगों के पास आएगा और उस पैसे से वो महंगाई जो है, जो महंगाई केंद्र सरकार बढ़ा रही है, उस महंगाई से वो मुकाबला कर सके। उनको आर्थिक रूप से चाहे शहर हो और चाहे गांव हो, उनको हम शक्तिशाली बनाएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसके जरिए मजबूत करेंगे। बागवान अपनी जब फसल की कीमत खुद तय करेंगे तो उनको मुनाफा होगा, किसान अपनी फसल की कीमत खुद तय करेगा, सब्जी उगाने वाले अपनी खुद तय करेंगे, तो ग्रामीण और शहर दोनों जगह जब लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा तो महंगाई का मुकाबला वो कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमने बहुत चीजों की व्यवस्था की है जिसमें आपको सारी चीज भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन हम देंगे। जो नौकरियों में जो है धांधली थी, पर्चे लीक हो रहे थे, उन सब की व्यवस्था के लिए कड़ाई से व्यवस्था की। खेती और बागवानी के लिए आयोग बनेगा और उस आयोग से तय होगी कीमतें। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन तीनों को बढ़ाया जाएगा। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा जो फॉडर है। नई पर्यटन नीति हमने बनाई है, स्मार्ट विलेज की नीति, और टैक्सी सेवा पर्यटन का अभिन्न अंग है। टैक्सी वालों को हम बहुत राहत देने वाले, यहाँ टैक्सी सर्विस यूनियन जो है उनसे, क्योंकि हमने जो घोषणा पत्र तैयार किया है इस सब की सलाह लेके किया। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा ताकि देवभूमि का विकास हो सके। 5000 किलोमीटर हम नई सड़कें बनाएंगे, जो प्री कोविड HRTC रूट थे वो तत्काल प्रभाव से शुरू किए जाएंगे क्योंकि उनको बंद कर दिया गया था। रेलवे परिवहन, भानुपल्ली बिलासपुर रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को यथाशीघ्र पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा। पठानकोट जोगिंदरनगर और कालका शिमला रेल लाइनों को सुधारकर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास हम कराएंगे, इसमें राज्य सरकार पूरी सहयोग देगी केंद्र सरकार। वन एवं पर्यावरण नीति भी है, उद्योगों के लिए विशेष रूप से चाहे वो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो और चाहे सोलन में मशरूम सेब और टमाटर और साग सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए स्पेशल फूड पार्क, उद्योगों को रियायती दर पर बिजली, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन की जाएगी, फल और सब्जियों को बाजार तक सुचारू रूप से पहुंचाकर वेजिटेबल एंड हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया जाएगा। नोटबंदी और कोरोना काल में बीमार हो गए बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यूनिट का हिसाब इस तरह से रखा जाएगा कि ज्यादा खपत करने वालों को भी इस छूट का लाभ मिल सके। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्रतिमाह कुछ बचत हो सकेगी जिससे वो महंगाई से लड़ सकेंगे। और प्रदेश के कठिन एवं दुर्गम स्थानों पर मोबाइल वैन पर राशन दुकान की योजना चलाई जाएगी। राशन दुकानों के लिए 1-टाइम लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 रुपए किया जाएगा। और जो हिमाचलियत है उसके लिए हम सारे जो है संस्कृति और परंपराएं उनका ख्याल करने के लिए उसको भी इस योजना में शामिल किया गया, जो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हिमाचली भाषा के मानकीकरण की संभावना पर विचार करने के लिए भाषा विज्ञानियों की एक समिति बनाई गई। देवस्थान और तीर्थ यात्राएं, कांग्रेस सरकार सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रचारक के साथ 4 वर्ष में एक बार तीर्थ यात्रा का खर्च उठाएगी और यह तीर्थ यात्रा देश के किसी भी स्थान के लिए हो सकेगी, ये नहीं कि सिर्फ हिमाचल के अंदर। प्रदेश के मंदिरों को जीर्णोद्धार व नवीनीकरण के लिए बजट का प्रावधान करके राशि उपलब्ध कराई जाएगी जो मंदिरों का ये है। राज्य समर्थित मंदिरों के वार्षिक अनुदान को दुगना किया जाएगा। मंदिर के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय, धार्मिक पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा और महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन योजना हम लागू करेंगे, OPS जिसे बोलते हैं, ये तो पहली कैबिनेट में हो जाएगा। प्रियंका जी ने स्वयं घोषणा की है, 1500 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को देंगे और 3